ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का मेनली वर्क क्या होता है, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज इन, इसका काम क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये देखो, फ्रिक्वेंसी के साथ वर्क करता है, मतलब ये किसके साथ वर्क करेगा, ओनली विद एसी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ वर्क करते हैं, डीसी पर वर्क नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और सबसे पहले इसको किसने बनाया था, फैराडे ने, ठीक है ना। चलो अब एक बात और है, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, ठीक है, जितनी भी मशीनें हैं इलेक्ट्रिकल मशीन हैं, उन सभी में ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी हाईएस्ट होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी जितनी भी मशीनें हैं उन सभी में हाईएस्ट इफिशियंसी होती है ट्रांसफॉर्मर की, कितनी होती है, 90% के ऊपर, ठीक है, 95%, 99%, 99. समथिंग, इतना परसेंट तक इसकी इफिशियंसी होती है, ठीक है। बात समझ आ रही बेटा इतनी। चलो तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं उन सभी में हाईएस्ट इफिशियंसी होती है ट्रांसफॉर्मर की। अब आप में देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में एक भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता, ठीक है। अगर आप फैन ले लो, मोटर ले लो, कुछ भी आप लेंगे तो सब में रोटेटिंग पार्ट जरूर होंगे, ठीक है ना। लेकिन ट्रांसफार्मर कभी आपने अपने घर के बाहर भी देखा हो, ठीक है ना, अपने एरिया में लगा हुआ ट्रांसफार्मर देखा हो, आप देखना ट्रांसफार्मर रखा रहता है, कोई भी पार्ट उसका घूमने वाला नहीं होता, ठीक है। अरे बेटा बस समझ में। चलो इसके बाद देखो, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, ठीक है, वो बनी होती है सॉफ्ट आयरन की, और एक्चुअल मटेरियल होता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये बनी होती है CRGO, ठीक है ना। हम लोग अभी कह देते हैं 12th क्लास तक सॉफ्ट आयरन, ठीक है, तो एक प्रकार का सॉफ्ट आयरन है, लेकिन एक्चुअल मटेरियल होता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, वो पढ़ने हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर हमें पढ़ने हैं दो टाइप के, ठीक है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप, दूसरा होगा स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या होगा, स्टेप अप ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, ठीक है, और स्टेप डाउन का काम क्या होगा, ये वोल्टेज को कम कर देगा। ध्यान रखना वोल्टेज बोल रहे हैं हम बार बार, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देगा, उसी रेशियो में करंट का क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन काम इसका क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन का मेन काम क्या होगा, वोल्टेज को कम करना। बेटा अब आप देखो, स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये वाले जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, ठीक है, ये वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो कैसे पता लगाते हैं, ये है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये वाली है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ये वाला ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम कर देते हैं, ठीक है। देखो यह है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न है NP, सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न है NS, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न है NP, सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न है NS, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा इतनी। तो आप क्या करते हो,
प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा कनेक्ट करते हो सप्लाई से, कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग को किससे कनेक्ट करते हो, लोड। लोड क्या कहलाते हैं, लोड का मतलब है हम लोग अपने घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट जला रहे हैं, ठीक है ना, आप टीवी, कूलर, फ्रिज, फैन, बल्ब, ये सब कहलाते हैं लोड, ठीक है ना, पास में आ रही कि नहीं आ रही। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हमेशा कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ, एसी सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, ऐसे ही इसमें ये है प्राइमरी वाइंडिंग, इसको कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ, और सेकेंडरी वाइंडिंग को इसको कनेक्ट करते हैं हमेशा लोड के साथ, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है इतना। देखो तो ये वाला जो है ये पोर्शन कहलाता है आयरन कोर, ठीक है, ये क्या कहलाती है, आयरन कोर, और ये काय के मिलके, काय से मिलके बनी होती है सॉफ्ट आयरन से, ठीक है ना, ये है आयरन कोर, ये है बाइंडिंग, ये है प्राइमरी बाइंडिंग, ये है सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग को हमेशा किससे कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स के साथ, ठीक है ना, इक्वेशन इसका वोल्टेज हो गया वी, और वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। प्राइमरी बाइंडिंग को हमेशा एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी बाइंडिंग को हमेशा कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, ठीक है। अब आप ये देखो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ऐसा क्या काम करता है ये, जिससे वोल्टेज बढ़ जाए या वोल्टेज कम हो जाए। देखो अब आप यहां से देखो, जैसे ही हम प्राइमरी बाइंडिंग को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखो यहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, किस तरह की करंट फ्लो होगी, एसी, ठीक है ना, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आप ये देखो जब करंट की वैल्यू और डायरेक्शन लगातार चेंज होनी है, एक बार करंट यहां से आ रही, एक बार करंट इस तरफ से आएगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स की वैल्यू और डायरेक्शन भी लगातार टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। एक बार फ्लक्स यहां से इस तरह से फ्लो होगा, और एक बार फ्लक्स इस तरह से फ्लो होगा, आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है ना। फ्लक्स की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होती रहेगी, और वैल्यू भी लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब ये फ्लक्स कहां से जाएगा, ये वाला फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से पास होगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन की कोर का क्यों यूज करते हैं, जिससे इसकी इसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन को अपने में से ही फ्लो करा के उस सेकेंडरी वाइंडिंग तक ले जाएगी, ठीक है, लीकेज फ्लक्स कम से कम होगा, ठीक है। तो इसका फ्लक्स पूरा का पूरा, नियरली पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से फ्लो होता रहेगा, ठीक है ना। अब आप ये देखो इस सेकेंडरी वाइंडिंग से भी फ्लक्स में लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो इसके दोनों एंड पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये सेकेंडरी करंट किस में से फ्लो होगी, लोड में से, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप ये देखो किसी भी ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज पर टर्न का रेशो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है ना, वोल्टेज पर टर्न, ठीक है, ये होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लें कि इस साइड आपने किए, इस साइड आपने लगा दिए 100 टर्न, ठीक है ना, और यहां पर आपने लगा दिए 1000 टर्न, बात समझ में आ रही, 1 टर्न का वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो इस साइड का वोल्टेज कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, और यहां पर कितना वोल्टेज जनरेट हो जाएगा 1000 वोल्ट, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पर टर्न का रेशो होता है हमेशा कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही बेटा इतनी कि नहीं हो रही, ये बताओ। चलो तो प्राय आपको ये मालूम है, स्टेप अप में क्या होगा, आपने टर्न को जाना बड़ा, टर्न को बढ़ा दिया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और स्टेप डाउन में आप क्या करते हो, टर्न को कम कर देते हो तो वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक बात के लिए समझ में आ रही। अब आप ये देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज ले लेते हैं वी वन, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जनरेट हो गया ई वन, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आया ई टू, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आया वी टू,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आप ये देखो स्टेप अप में क्या होगा, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, और स्टेप डाउन में क्या होगा, ठीक है, ये वाला वोल्टेज हो गया ई वन, इसको लेते हैं वी वन, ये वाला हो गया ई वन, ठीक है, ये वाला वोल्टेज हो गया ई टू, और ये वाला वोल्टेज हो गया वी टू, ठीक है। अब आप ये देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में वी वन की वैल्यू नियरली इक्वल होगी ई वन, ठीक है, और वी टू की वैल्यू नियरली इक्वल होगी ई टू के, ठीक है, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, वी टू की वैल्यू बड़ी होती है वी वन से स्टेप अप में, और स्टेप डाउन में क्या होगा, वी टू इज लेस देन वी वन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, देखो स्टेप अप का काम होगा वोल्टेज को बढ़ा देना, इसने सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा दिया, स्टेप डाउन का काम होगा वोल्टेज को कम करना, इसने सेकेंडरी का वोल्टेज कम कर दिया, ठीक है, लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल का मतलब इसमें कोई लॉसेस नहीं है, तो आप लिखोगे इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर क्या होती है, वी वन आई वन इक्वल टू आउटपुट पावर क्या होगी, वी टू आई टू, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इससे आप लिख सकते हो वी टू ओवर वी वन इक्वल टू आई वन ओवर आई टू, ठीक है, इक्वल टू एन टू ओवर एन वन, ठीक है, और वी टू ओवर वी वन कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वी टू ओवर वी वन या एन टू ओवर एन वन को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में के की वैल्यू वन से बड़ी होगी, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के की वैल्यू वन से कम होगी। ट्रांसफार्मर का मॉडल, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। अब इसमें हमने दिखाया आपको कि यहाँ करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसके ऊपर करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आयरन कोर है, सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर कर देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इवन इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कहना भी गलत होगा, ठीक है ना, इसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो इसमें हमेशा अंदर साइड की जाएगी लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं। देखो एक आयरन की कोर हो गई, ठीक है, ये एक आयरन कोर है, इसको आप कोर मान लो, इसके ऊपर सबसे पहले कर दी जो भी लो वोल्टेज है, ठीक है ना, पहले कर देते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, इससे दो टर्मिनल बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर इंसुलेशन करने के बाद फिर कर देते हैं एक और वाइंडिंग, ठीक है ना, तो जो भी लो वोल्टेज है वो अंदर रहेगा, और जो भी हाई वोल्टेज है, ठीक है ना, चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, वो वाइंडिंग करते हैं इसके ऊपर। ऐसा क्यों करते हैं, अगर हाई वोल्टेज ऊपर रहेगा तो हाई वोल्टेज का इसमें हीट लॉस भी आना होगा, और हीटिंग आना होगी, और एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो उसमें कूलिंग होती रहेगी। प्रॉपर कूलिंग के लिए हमेशा एक काम करते हैं कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर से करते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर करते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर एक वाइंडिंग है, ये आयरन कोर है, ठीक है, और कोर बनाते हैं लेमिनेटेड, लेमिनेटेड का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, इसको आपको दिखाई दे रहा होगा आयरन का ये सिंगल पीस नहीं लिया, ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पीस लेके ऐसे जोड़े गए हैं, ये आपको शायद दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, देखो कुछ छोटे छोटे पीस लेके इस तरह के अलग अलग पीस हैं, इनको जोड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको जोड़ के बनाया जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये इसका एक मॉडल हो गया, ठीक है ना, ये हो गई आयरन कोर, ये है वाइंडिंग, और इस तरह से इसके जो टर्मिनल निकले हुए हैं, ठीक है ना, ये लो वोल्टेज वाले टर्मिनल हैं, और इसके बाद यहाँ से मिलता है आउटपुट, एक तरफ से यहाँ से हम लोग देते हैं इनपुट, ठीक है, दूसरी तरफ से हमें मिलता है आउटपुट, आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें आउटपुट, क्लियर है इतना, ठीक है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसमें 220 वोल्ट देने पर 6 to 9 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। देखो ये है आयरन कोर, सबसे पहले करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर करते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो यहाँ पर जिसमें कम टर्न है वो हमने अंदर की, उसके बाद की हाई वोल्टेज, सॉरी ज्यादा टर्न वाली वाइंडिंग, अंदर वाले में आपने सप्लाई दी और बाहर वाले को आपने लोड से कनेक्ट किया, तो ये बन गया स्टेप अप, ठीक है।
अब स्टेप डाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। पहले आप बना लो सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें कम नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। पहले आपको ये बनाना है, इसके बाद कर देनी है इंसुलेशन, और इसके ऊपर आपको कर देनी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसको दे देना है सप्लाई, और इसको कनेक्ट कर देना है लोड से। देखो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट तो आपको दिखाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रांसफार्मर में मेनली क्या है, वाइंडिंग है, मतलब ट्रांसफार्मर में क्या लगा है, इंडक्टेंस। देखो यही तो बाइंडिंग ही तो कहलाती है इंडक्टर, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, इसमें केवल बाइंडिंग ही तो है ना, तो इसमें मेनली क्या होगा, इंडक्टेंस, ठीक है। तो आप यहां पर प्राइमरी साइड आपने एक इंडक्टेंस लगा दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये लगा दिया एल, लेकिन हमें ये मालूम है जब भी हम लोग इंडक्टेंस बनाते हैं, ठीक है, इंडक्टर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायर का यूज तो करना पड़ेगा, ठीक है, और हर एक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो हम इसके साथ प्राइमरी के साथ थोड़ा सा लगाए दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं एक्स वन, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा लगाए दे रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया आर वन, बात समझ में आ रही है। ये हम कौन सा ट्रांसफार्मर बनाने जा रहे हैं, स्टेप अप, ठीक है। तो अब आप इसको, ये बन गई इसकी प्राइमरी साइड, ठीक है, और प्राइमरी साइड को किससे कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से, आ रही बेटा बात समझ में। और ये वाली बनाते हैं सेकेंडरी साइड, ठीक है। इसका मतलब होगा ये नंबर ऑफ टर्न कम है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न जाना है, ठीक है। इसका भी सेकेंडरी साइड भी है तो बाइंडिंग ही, ठीक है ना। तो इसका इंडक्टेंस बनाते हैं एक्स टू, रेजिस्टेंस बनाते हैं आर टू, और इसको कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, ठीक है। इसका फ्लक्स इसमें पास होगा, तो इसको दिखाने के लिए इस तरह से दो लाइनें बना देते हैं। ये दो लाइन बनाना जरूरी है, कंपलसरी है ये, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि इसका फ्लक्स इसमें पास होगा, ठीक है। ये कहलाता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। देखो अब आप ये समझना, ये वाला वोल्टेज है V1, तो V1 कौन सा वोल्टेज हम लेते हैं यहां पर, ये वाला वोल्टेज हो गया V1, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है E1, ठीक है। थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो जाएगा, तो हम V1 को E1 के नियरली इक्वल लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको इक्वल लिख रहे थे, V1 इक्वल टू E1, लेकिन एक्चुअल में V1 E1 के नियरली इक्वल होगा, थोड़ा बहुत वोल्टेज का ड्रॉप इस रेजिस्टेंस पर भी होगा, ठीक है ना। ये वाला वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज है E2, और लोड के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग ले रहे थे V2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू E2 के नियरली इक्वल होगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, तो V2 और E, ठीक है, ये E1 V1, इसका ये सेंस हो गया। अब आप एक बात और समझना, देखो ट्रांसफार्मर को आप बताए थे कि ये हमेशा एसी के साथ वर्क करता है, ठीक है। अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर को डीसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हमने यहां पर एसी की जगह डीसी सप्लाई दे दी तो क्या होगा, अगर हमने ट्रांसफार्मर को डीसी से कनेक्ट कर दिया तो अब आप ये देखो, किसी भी ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी होती है प्योर रेजिस्टेंस से, ठीक है। एक्स वन की वैल्यू आर वन से बहुत बड़ी है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि इसमें तो मेनली बाइंडिंग है, बाइंडिंग है तो एक्स की वैल्यू बड़ी होगी आर से, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही बेटा कि नहीं हो रही, ये बताओ। बिल्कुल ऐसे ही एक्स टू की वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी आर टू से। अब आप ये देखो, अगर आपने डीसी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही, ठीक है ना, जब हम एसी से कनेक्ट करते थे तो करंट कितनी फ्लो होती थी, एसी के केस में करंट थी आई इक्वल टू वी ओवर जेड, ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
इसमें R तो बहुत थोड़ा सा है, मेनली क्या है X, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम इसको DC से कनेक्ट कर दें तो DC के केस में करंट इक्वल टू क्या होगी, V ओवर R, ठीक है, स्मॉल R रेजिस्टेंस है इसका। आ रही बेटा बात समझ में। अब आप ये देखो मेनली कंट्रोल किससे हो रहा था, X से, X तो पूरा हट गया क्योंकि DC करंट, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वह DC करंट को कंट्रोल नहीं करता। X का फार्मूला क्या होगा, X इक्वल टू ओमेगा L इक्वल टू 2 पाई न्यू इनटू L, ठीक है, XL लिख रहे हैं, ठीक है। तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, तो XL की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। XL की वैल्यू जीरो होती है DC के लिए, मतलब XL पूरी पूरी DC करंट को जाने देता है। तो DC को कंट्रोल कौन करेगा, केवल R, R की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर हम DC से कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत हैवी करंट फ्लो हो जाएगी और हैवी करंट फ्लो होने से इसकी वाइंडिंग जल सकती है, आ रही बात समझ में। तो अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर को DC के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और भी है, ठीक है, आपने देखा कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यहाँ से आपने एसी वोल्टेज लगाया, इससे करंट की वैल्यू टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है। इससे क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू और डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, यानी फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन डीसी अगर आपने लगा दी, मान लो ट्रांसफार्मर किसी तरह जलने से बच गया, तो ये वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होगी, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर इसके अक्रॉस फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगी, तो लोड में कोई करंट जाएगी ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों बाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, ये वाली बाइंडिंग तो आपने कनेक्ट की है, ये वाली बाइंडिंग केवल फ्लक्स के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर को डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो या तो वो डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डीसी में करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, तो आप ये देखो, सबसे पहले ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां पर होती है, पावर प्लांट पर, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या हो गया, कॉइल को, मैग्नेट को, मैग्नेट के बीच में कॉइल घुमा के, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। अब कॉइल को घुमाने के अलग अलग तरीके हैं। हाइड्रल पावर प्लांट में ऊपर से पानी गिराते हैं, पानी की वजह से कॉइल घूमती है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, उससे स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम की वजह से हाँ कॉइल घूमती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से स्टीम जनरेट करते हैं और स्टीम की सहायता से कॉइल को घुमाते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी हो, प्रिंसिपल यही है कि एक कॉइल को मैग्नेट के बीच में घुमाना, ठीक है। अब आप ये देखो कॉइल की जो साइज है वो एक लिमिट से आना नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। कॉइल, जिस कॉइल को हमें घुमाना है उस कॉइल की साइज को हम एक लिमिट से आना नहीं बढ़ा सकते हैं, हाँ उसके चक्कर बढ़ा सकते हैं, आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही, उसके घूमने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साइज एक लिमिट में ही हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब जनरेटिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, वो पावर होती है लो वोल्टेज हाई करंट के फॉर्म में, क्योंकि P इक्वल टू आपको मालूम है V इंटू वाई का प्रोडक्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें करते क्या है, वोल्टेज एक लिमिट से आना नहीं बढ़ा सकते, करंट हाई होती है, वोल्टेज लो होता है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा पावर को लो वोल्टेज पर ही जनरेशन होता है,
लो वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि 10 20 50 वोल्ट, ठीक है ना, लो वोल्टेज भी 33,000 वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, ठीक है, इस वोल्टेज को हम लोग लो वोल्टेज मानेंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जनरेटिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो चुकी है, अब आप ये बताओ इसको कंज्यूम कहाँ किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो गई, हाँ आप लोग अपने घर में यूज करते हैं, तो आपका घर या जिसका भी घर हो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन के पास में होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि जो भी कंज्यूमर हो वो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन के पास में हो? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे जो पावर जनरेट हुई है इसको हजारों किलोमीटर दूर तक भेजना पड़ता है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसको भेजते कैसे हैं, कैसे भेजते हैं इस पावर को, किसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं? एक्चुअल में तो वायर ही होते हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजते हैं, और ट्रांसमिशन लाइनें क्या होती हैं, होती हैं तो वायर है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ तक ट्रांसमिट करते हैं? कंज्यूमर एंड तक, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आपने क्या किया, हाई करंट पर जो पावर जनरेट हुई थी और हमने यही करंट अगर ट्रांसमिशन लाइन में भेज दी हाई करंट, तो आपको मालूम है वायर का होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, करंट फ्लो होगी तो वायर हो जाएगा गर्म, ठीक है ना, हीट लॉस भी होगा, और हीट लॉस क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी हीट, ठीक है। तो अगर हम किसी भी तरीके से करंट को कम कर पाए, ठीक है, अगर हमने करंट को कम कर दी, एच प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर, यह हीट लॉस, ठीक है ना, तो अगर हम करंट को कम कर देंगे तो हमारे लॉस भी कम हो जाएंगे, लेकिन करंट को कम करने के लिए हम चाहते हैं पावर में कोई चेंज ना आ पाए, ठीक है ना, पावर उतनी ही हो लेकिन करंट कम हो जाए, ठीक है, तो मतलब उसी रेशियो में वोल्टेज को बढ़ा दूं, ठीक है, पी इक्वल टू है वी आई का प्रोडक्ट, अगर हम क्या करें करंट को कम कर दें और वोल्टेज को बढ़ा दें जिससे पावर हमारी कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, और हम इस पावर को ट्रांसमिट कर दें, ठीक है। अगर हाई करंट को ट्रांसमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ते में बहुत सारी पावर का लॉस हो जाएगा, ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही, हेलो, चलो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर, तो जनरेटिंग स्टेशन के पास हम लोग लगा देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कॉम्बिनेशन, बहुत सारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिससे इसके वोल्टेज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, और ये नियर अबाउट वोल्टेज होता है 220 किलो वोल्ट, ठीक है, 220,000 वोल्ट, ये जो पुराने सिस्टम है उनमें चल रहा है 220 केवी, ठीक है, इसके बाद जो सिस्टम आए उनमें यूज होने लगा 440 केवी, ठीक है, 440,000 वोल्ट, ठीक है, किलो वोल्ट लिखा है, ठीक है, इसके बाद जो और नए सिस्टम आए उनमें यूज करने लगे 770 केवी, 770,000 वोल्ट, ठीक है, जितना अधिक आप वोल्टेज करोगे करंट उसी रेशो में कम होती जाएगी, ठीक है ना, और करंट कम होगी तो लॉसेस कम होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखो, तो आपने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बहुत सारे कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज को उसी रेशो में करंट कम हो जाती है, और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इस पावर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसके बाद जब ये कंज्यूमर एंड के पास पहुंच जाती है तो फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग लगा देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, धीरे धीरे वोल्टेज को कम करते जाते हैं, और फाइनल वोल्टेज जब हमारा 220 वोल्ट आ जाता है तो इसको हम सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए सप्लाई दे देते हैं, या आप लोड तक आपको ये पहुंच जाता है, ठीक है, बस। तो हमें ये मालूम है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो केवल एसी के साथ वर्क कर सकते हैं, डीसी के साथ वर्क कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ट्रांसफार्मर वर्क ओनली विद एसी, ठीक है, अगर आपने डीसी को लगाए होते तो डीसी को डायरेक्टली भेजना पड़ता, ठीक है ना, और डायरेक्ट भेजने में
आई स्क्वायर आर लॉस तो यहाँ भी होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है रास्ते में ही पूरी की पूरी पावर का लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन एसी के साथ फायदा क्या है कि आप इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन के पास कौन से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिससे वोल्टेज बढ़ जाए, करंट की वैल्यू कम हो जाए, तो मिनिमम लॉस के साथ इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और कंज्यूमर एंड के पास लगा देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो जितना वोल्टेज भी हमें रिक्वायर्ड होगा उतना वोल्टेज स्टेप डाउन करके इसको सप्लाई दे देते हैं। इंडिया में नियरली 70% ट्रांसमिशन में लॉस हो जाती है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पुराने सिस्टम जो है वो 220 केवी पर काम कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह या दूसरे डेवलप कंट्री जो है बोले यूज करते हैं 1100 किलो वोल्ट, 1100 वोल्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन में लॉस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ये आएगा कि हम लोग 220 किलो वोल्ट पे क्यों करते हैं इंडिया में, ठीक है, हम लोग भी इस सिस्टम का यूज क्यों नहीं करते, 1100 किलो वोल्ट पे हम लोग भी यूज क्यों नहीं करते, जिससे हमारी पावर का लॉस बच जाएगा, ठीक है ना। 70% पावर तो केवल भेजने में लॉस हो जाती है, ठीक है, तो क्या रीजन होगा इसका, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। देखो आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन तो देखी होंगी, सबने देखी है कि नहीं देखी है, बताओ। ट्रांसमिशन लाइन में एक उसमें बड़े बड़े पोल के थ्रू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड होती है, ठीक है, और करंट की कैपेसिटी के हिसाब से वायर की मोटाई भी होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हम इस सिस्टम को चेंज करके इस पे लाएंगे तो हमें दो पोल के बीच की स्पेसिंग जो है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। दो वायर हैं, इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, वायर को और दूर दूर शिफ्ट करना पड़ेगा, वायर की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है तो उसको हाई करंट और लो वोल्टेज पर जनरेट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा करना इकोनॉमिकल होता है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब लो वोल्टेज का मतलब भी यहां से है 33 किलो वोल्ट, ठीक है, लगभग 33,000 वोल्ट पर जनरेट किया जाता है। इसको भी हम लोग अभी कह रहे हैं लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वोल्टेज को भी हम लोग हजारों किलोमीटर दूर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इतने वोल्टेज पर करंट को भेज देंगे तो हमारी बहुत सारी पावर का लॉस हो जाएगा भेजने में, ठीक है ना। हमने आपको बताया था इसको भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर को। अब हम इस पावर को भेजना चाहते हैं कंज्यूमर तक, ठीक है, हजारों किलोमीटर लंबी लाइनें होती हैं। अगर हमने कम करंट पर, ठीक है, सॉरी, अगर हमने हाई करंट पर इस पावर को ट्रांसमिट कर दिया, हाई करंट पर, हाई करंट लो वोल्टेज पर, तो यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे। लॉसेस क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, वायर का रेजिस्टेंस होगा ये तो फिक्स होगा, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शन होते हैं लॉस, ये गर्म हो जाएंगे और इससे बहुत सारी हमारी जो यहाँ एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी या पावर का लॉस हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम चाहते हैं कि करंट की वैल्यू को कम करना जिससे पावर लॉस कम हो जाए। अब करंट की वैल्यू कम करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इस तरह की कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेप अप धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट उसी रेशो में कम हो जाएगी और आप पावर को बहुत दूर तक भेज सकते हो। इसके बाद कंज्यूमर एंड्स पर हमें जब लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, सॉरी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है, और ये सप्लाई यहाँ पर कंज्यूमर एंड को हो जाती है, ठीक है। तो पावर जनरेटर या जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं उनके पास हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप, और कंज्यूमर एंड के पास कौन से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं,
स्टेप डाउन। ट्रांसफॉर्मर में मेनली दो टाइप के लॉसेस होते हैं, ठीक है। एक लॉस कहलाते हैं कोर लॉस और दूसरे टाइप के लॉस होते हैं ये कहलाते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। अब आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मर के मेनली दो टाइप के पोर्शन होते हैं, ठीक है। देखो ये आपको दिखाई दे रही कोर और दूसरी आपको दिखाई दे रही बाइंडिंग, ठीक है ना। तो एक लॉस तो होगा कोर में, ठीक है। ये किसकी बनी है, आयरन की, सॉफ्ट आयरन की बनी है। तो कोर लॉस को हम लोग कहते हैं आयरन लॉसेस, ठीक है। दूसरा आपको दिखाई दे रही बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग काय की बनी होती है, कॉपर की, तो इसलिए इसको कहते हैं लॉसेस, ये आयरन वाले पोर्शन में होंगे। दूसरे होते हैं कॉपर लॉसेस, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब इसके बाद देखो, कोर लॉस तो ट्रांसफार्मर में हमेशा होंगे, ठीक है ना। इसके साथ लोड कनेक्टेड हो या ना हो, ठीक है। तो ये वाले लॉस कहलाते हैं फिक्स्ड लॉसेस, ठीक है। ये वाले लॉस तो हमेशा होंगे ट्रांसफार्मर में, चाहे लोड कनेक्टेड हो। लोड कनेक्ट होने का मतलब ये है कि आप अपने घरों में लाइट जला रहे हो या नहीं जला रहे, ठीक है ना। ये वाले लॉस तो हमेशा होते रहेंगे, लेकिन कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट की वैल्यू पर, ठीक है। जितनी ज्यादा करंट आएगी, करंट कब जाना आएगी, जब लोड जाना होगा, ठीक है। तो ये वाले लॉसेस डिपेंड करते हैं लोड पर, इसलिए ये वाले होते हैं वेरिएबल लॉसेस, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोर लॉस हमेशा होते रहेंगे, कॉपर लॉस डिपेंड करेंगे लोड पर, करंट जाना होगी तो लॉसेस जाना होंगे, करंट कम होगी तो लॉसेस कम होंगे, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर। हाँ बात समझ में आ रही बेटा, इतनी की नहीं आ रही? अब आप ये देखो, कोर लॉस कितने टाइप के होते हैं, इसको समझ लो। मेनली कोर लॉस होते हैं दो टाइप के, एक कहलाता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरे टाइप के कहलाते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस लॉस क्या होते हैं, तो आपको यह मालूम है, देखो ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां से देते हैं एसी और इस तरफ हम सेकेंडरी साइड क्या लगाते हैं, लोड, ठीक है। सेकेंडरी साइड कनेक्ट करते हैं लोड। चलो अब आप ये देखो, एसी किस तरह से आती है, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहेगी। इससे क्या होगा, इससे जिसकी जो कोर है, ठीक है ना, ये बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगी। फ्लक्स की डायरेक्शन एक बार यहां से होगी, दूसरी बार फ्लक्स इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे कोर बार बार मैग्नेटाइज और बार बार डीमैग्नेटाइज होगी, ठीक है ना। और आपको एक हिस्टेरेसिस एरिया बताए थे पहले, हिस्टेरेसिस कर्व बनाए थे आपको इस टाइप से, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये मटेरियल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। हिस्टेरेसिस लूप का जितना अधिक एरिया होगा उतना अधिक लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे कम एरिया किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का। तो इस लॉस को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्चुअल में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है, कल भी हमने आपको बताया था, CRGO, गोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, या आप सिंपल कह सकते हो सिलिकॉन स्टील, ठीक
ठीक है, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमम हो। ठीक है, अगर ये मटेरियल हम लोग यूज करते हैं तो हिस्टेरेसिस लॉस को आप बहुत कम कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? और कोर लॉस डिपेंड करते हैं वोल्टेज पर, ठीक है, कॉपर लॉस डिपेंड करते हैं करंट पर। क्लियर है इतना? ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है? क्योंकि कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, रोकने के लिए क्या करते हैं, इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया बहुत छोटा होता है और मटेरियल होता है, बात समझ में आ रही यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन। चलो देखो, आपको मालूम है अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पर रखा जाए तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाती है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाती है। इनकी टेंडेंसी होती है डैम्पिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने की और ये फ्लक्स चेंज का अपोज करती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कंडक्टर गर्म हो जाएगा और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखो ये किस पर डिपेंड करती हैं, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतनी ज्यादा एडी करंट होगी। ठीक है, तो आप ये देखो, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कोर है, ठीक है ना, तो अगर हमने ये सिंगल पीस ऑफ आयरन से बनाई होती ट्रांसफार्मर की कोर तो क्या होता, इसमें इतनी बड़ी एडी करंट जनरेट होती, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, छोटी छोटी पत्ती काट कर इनको आपस में चिपका देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये केवल इतने से एरिया में एडी करंट, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, ठीक है ना। लेमिनेटेड कोर का क्या मतलब है, इसमें स्लॉट्स बना देते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, पतली पतली पट्टियां आपने काट दी और उनको आपस में जोड़ दिया, तो पहले जो इतनी बड़ी एडी करंट जनरेट हो रही थी अब वो बहुत कम एडी करंट हो गई, ठीक है ना, एडी करंट बहुत छोटी सी हो गई और इससे ये वाला लॉस बच जाता है। ठीक है ना, अब एडी करंट लॉस जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के, ठीक है, और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रिक्वेंसी के, जितनी अधिक फ्रिक्वेंसी होगी उतना अधिक हिस्टेरेसिस लॉस होगा और एडी करंट लॉस पीई प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों डिपेंड करते हैं वोल्टेज पर, और ये लॉस तो हमेशा होते रहेंगे चाहे आपने लोड कनेक्ट किया हो या ना किया हो। ठीक है, इसके अलावा एक और लॉस भी हो सकता है, फ्लस्क लीकेज। देखो प्राइमरी का 100% फ्लस्क सेकेंडरी में फ्लो नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत फ्लस्क लीकेज हो जाता है आपस में, ठीक है ना, यहाँ से कुछ फ्लस्क लीक भी हो जाता है तो ये कहलाता है फ्लस्क लीकेज। ठीक है, जो फ्लस्क लीकेज के कारण लॉस है इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या होगा, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी हाई होती है तो ये मैग्नेटिक लाइन को अपने में से, जाना से आना मैग्नेटिक लाइनों को अपने में से पास करती हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन्स के लिए एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जिससे मैग्नेटिक लाइन्स को चलने में आसानी हो। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइन्स इसी कोर पर बनी रहे, तो बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये सारे लॉस कहलाते हैं कोर लॉस। ठीक है, अब देखते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्यों होते हैं, देखो प्राइमरी भी बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग है और सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है, एक में हम सप्लाई देते हैं दूसरे में लोड कनेक्ट करते हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही, ठीक है, आई वन इसमें बहने वाली करंट है आई टू, ठीक है ना, तो करंट फ्लो होने के कारण इसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होगा, ठीक है ना, हमने आपको बताया था बिना रेजिस्टेंस के कॉइल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वाली बाइंडिंग में कितना लॉस होगा, आई वन का स्क्वायर आर वन, आर वन इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, और सेकेंडरी बाइंडिंग में कितना लॉस होगा, आई टू स्क्वायर आर टू, ठीक है, टोटल कॉपर लॉस कितना हो गया, आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू, ठीक है, ये होगा टोटल कॉपर लॉस। इसको मिनिमाइज हम लोग वैसे तो नहीं कर सकते,
ठीक है, ये लॉस हमेशा होता रहेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? लोड पर। जितना अधिक लोड होगा उतनी अधिक करंट फ्लो होगी, उतना अधिक लॉस होगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए आप कॉपर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ले सकते हो, जिससे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो और रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही? अब देखो, किसी भी ट्रांसफार्मर का मेन लॉस होता है कॉपर लॉस। ठीक है, कोर लॉस के कंपैरिजन में कॉपर लॉस बहुत अधिक होता है ट्रांसफार्मर में, और इसको मिनिमाइज करना भी मुश्किल। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो किसी भी मोटर या किसी भी मशीन की इफिशियंसी होती है इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है आउटपुट, ये लिखा जाता है इनपुट। ठीक है, किसी की भी इफिशियंसी इसी टाइप से निकालते हैं। ठीक है, आउटपुट कितना आया और इनपुट कितना दिया गया था। ठीक है, अब आप ये देखो, इनपुट इक्वल टू होता क्या है? इनपुट इक्वल टू होगा आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इफिशियंसी को डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आप आउटपुट भी क्या लिख सकते हो? इनपुट माइनस लॉसेस, इनपुट माइनस लॉसेस ओवर इनपुट। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन माइनस लॉसेस ओवर इनपुट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी भी मशीन, कोई भी मशीन हो, इवन ट्रांसफार्मर या दूसरी मशीन हो, इफिशियंसी निकालने का यही फार्मूला होगा, इफिशियंसी इक्वल टू वन माइनस लॉसेस ओवर इनपुट। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें लॉसेस नहीं होंगे, इफिशियंसी कितनी होगी? 100%। ठीक है, और इस केस में इनपुट पावर, ठीक है, चलो ऐसे लिख सकते हैं, पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट। अब पी आई क्या होगा? वी आई 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 इक्वल टू आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम इस तरह से लिखेंगे, आइडियल नहीं है तो हम इसकी इफिशियंसी, एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, ये पावर जनरेट करता है 600 किलोवाट पर और इसका वोल्टेज है 4000 वोल्ट। इस इलेक्ट्रिक पावर को हमें 20 किलोमीटर दूर कंज्यूमर एंड तक हमें भेजना है। ठीक है, इसको हम दो तरह से भेज सकते हैं, या तो हम यहाँ से लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी के वायर लगा दें, या फिर ट्रांसफार्मर का यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप सीधे भेजते हो तो एनर्जी का ज्यादा लॉस होगा, और अगर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो एनर्जी का लॉस बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है हमें फाइंड करना है, इन द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विद ए केबल ऑफ रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर। अगर आप इसको डायरेक्ट भेजते हो और यहां से जो आपने वायर का यूज किया है उसका रेजिस्टेंस गिवन है आर इक्वल टू 0.4 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो आप रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो वायर यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 ओम पर किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर का रेजिस्टेंस है 0.4 और आपको कितने किलोमीटर दूर भेजना है? 20 किलोमीटर। तो आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ केबल 20 × 0.4, ये कितना आ जाएगा? 8 ओम। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। अब आप ये बताओ, हमें फाइंड करना है कि यहां से यहां तक भेजने में कितना परसेंट लॉस होगा। ठीक है ना, इस ट्रांसमिशन में कितने परसेंट की पावर लॉस हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा परसेंटेज लॉस, पहले हम ये देख लें कि हमारा पावर लॉस कितना आया। तो होता क्या है, पावर लॉस आई स्क्वायर आर, इसके लिए फाइंड करनी पड़ेगी हमें करंट। ठीक है ना, करंट हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, पी इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन पर करंट कितनी है? पी इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, पी की वैल्यू कितना गिवन है? 600 किलोवाट। ठीक है, 600 × 1000 हो गया वाट, इक्वल टू वी की वैल्यू है 4000।
ठीक है, करंट की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, करंट इक्वल टू आ जाएगी 600/4 यानी 150 एम्पियर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो लॉस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर 150 स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज लॉस, तो इसको ऐसे ही रहने दो। परसेंटेज लॉस कैसे फाइंड करेंगे, कितना लॉस हुआ, परसेंटेज लॉस हमें फाइंड करना है, कितना लॉस हुआ, 150 इंटू 8 कितने में से हुआ, कितना जनरेट हुआ था, 600 किलोवाट। ठीक है ना, तो 600 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 100। इसी तरह फाइंड करते हैं ना परसेंटेज लॉस। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 1 2 इससे ये कैंसिल। ठीक है, 5 2 3 2 4 2 15 2 30। ठीक है, 30% पावर का लॉस हो जाएगा। अरे बेटा बात समझ में? ठीक है, अगर हम डायरेक्टली पावर को यहां से 20 किलोमीटर दूर भेजते हैं तो इस कंडीशन में 30% पावर का लॉस हो जाएगा। देखो अब आपको मालूम है पावर ट्रांसमिशन का दूसरा तरीका यह है कि जनरेटिंग स्टेशन के पास आप लगा दो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास आप लगा दो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपने यूज किया है तो आप ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, इन द मेथड यूजिंग ट्रांसफार्मर एज्यूमिंग दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:10। ठीक है ना, जो यहां पर हम लोग यूज करते हैं ये है 1:10, मतलब वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ा देगा। यहां पर कितना वोल्टेज आपने दिया, 4000, ठीक है, जनरेट किया 4000, और यहां से कितना वोल्टेज सप्लाई होगा, 40000। ठीक है, पास में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ये वोल्टेज यहां पर जाएगा, इसके बाद स्टेप डाउन में ये पहुंच जाएगा 40000 वोल्ट। ठीक है, अब आप ये देखो, इफ द पावर टू बी कंज्यूमर हैज टू बी सप्लाइड एट 200 वोल्ट। ठीक है ना, कंज्यूमर को जो सप्लाई देना है वो देनी है 200 वोल्ट। ठीक है, तो इसके प्राइमरी पे कितना वोल्टेज आया, 40000, सेकेंडरी पर आया 200, और आपको बताए थे, ठीक है, वोल्टेज का जो रेशो होता है वही होता है नंबर ऑफ टर्न का रेशो। तो आप लिख सकते हो V1/V2 = N1/N2। ठीक है ना, V1 इसको ले ले रहे हैं, ये है 40000 ओवर, V2 कितना आएगा, V2 की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख दिया 200 वोल्ट, N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 N2 का रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, 200:1। ठीक है।